सबसे दुखदायी तस्वीर। ये मासूम अपने दादा की लाश पर इस तरह बैठा हुआ है जैसे शायद कभी वो उनकी गोद में खेलता होगा। लेकिन दादा का शरीर गोलियों से छलनी था और उनके कपड़े खून से सने थे। वो अपने पोते को अब गोद में नहीं उठा सकते थे। दरअसल सोपोर में बुधवार सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। ये हमला मार्केट एरिया में घात लगाकर किया गया। सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों को फायरिंग से जवाब दिया। इस दौरान फायरिंग में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक नागरिक की भी गोली लगने से मौत हो गई। मृतक नागरिक 60 साल के बुजुर्ग थे। घटनास्थल से इनकी तस्वीर सामने आई। जमीन पर शव पड़ा हुआ है, कपड़े खून से सने, और वही मृत शख्स का 3 साल का पोता भी मौजूद। ऐसे में वहां मौजूद पुलिस टीम के एक सदस्य ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर साइट से अलग किया। और बाद में वो वीडियो भी सामने आया जिसमें बच्चे को उसके घर सीआरपीएफ वाले जवान पहुंचा रहे। हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके इधर, देखो इधर, वो देखो, वो देखो, आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट। मामू के पास लेके जा रहे हैं। विजुअल्स हमारे लिए सामने थे। एक तो हमारे जो सीआरपीएफ के 3 जवान जो खून में लथपथ थे उनको उठाना, और उसके बाद जो है वहां पर एक सिविलियन जो है वो भी जख्मी था, उसको भी गोली लग चुकी थी। और उस सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है। और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफी फायरिंग वहां से अपोजिट साइड से आ रही थी। आपने देखा होगा एनकाउंटर साइड पे जो सामने की मस्जिद उसकी ऊपर वाली स्टोरी से फायर किया गया, उसी डायरेक्शन से जो फायर आया उसी वजह से सारे लोग जख्मी हुए हैं। इसमें से हमारा एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो शहीद हुआ, बाद में वो जख्मी के तापना ला के जहां बाहर हो गया। तो ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो भी ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहां से उठाया जाए। तो हमने अपनी गाड़ियां सारी लगा के, जो बीपी गाड़ियां हमारे पास थी उस वक्त, सीआरपीएफ की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो उस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमने, हमारा काफी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहां से उठा के हमने इसको ले तो इसको एक्चुअली क्या, ये अपने नाना के साथ जो है जा रहा था हंदवाड़ा। इसके नाना सुबह निकले थे इनको हंदवाड़ा, जो हमारी क्लास के मुताबिक हंदवाड़ा से इसको एक अपने किसी हेल्पर को लाना था वहां पे। जब यहां पहुंचा तो सामने जो जब फायर हुआ, हमारा सीआरपीएफ की पार्टी अभी तैनात हो रही थी उसी डायरेक्शन में, बिल्कुल एक सामने साथ साथ जो है 3 सीआरपीएफ के जवान हमारे गिरे पड़े थे, और ये सिविलियन भी वहीं पे, जो अपोजिट साइड से गाड़ियां आ रही थी वहां पर उस वक्त हंदवाड़ा से, कुपवाड़ा से, उनमें से ना कोई जख्मी हुआ है, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी लोगों ने वहां गाड़ियां छोड़ के जो है सेफर लोकेशन पे उस वक्त कोशिश की है कि हम किसी तरीके से फायर से बच के सेफर लोकेशन में। बाद में हमने बहुत सारे लोगों को दुकानों के अंदर से भी निकाला, उनने कहा जनाब जैसा फायर हुआ हम अपोजिट साइड से जो जहां से फायर आया है उसकी तरफ से कोई जख्मी नहीं, आपने देखा होगा। देश का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट, घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर, आप कहीं भी हो खबर छूटेगी नहीं। हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और तमाम दुनिया भर की खबरें। न्यूज़ 360 डिग्री टीवी 24x7 लाइव टीवी, ब्रेकिंग बाउंड्रीज।